यस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे लोग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ओके, तो कल मैंने यहां तक किया था सॉल्विंग वन एंड टू, यू विल गेट द आंसर सॉल्विंग वन एंड, शुड आई गिव द आंसर टू यू? सॉल्व वन एंड टू एंड गेट आई वन इक्वल टू कुछ कुछ, आई टू इक्वल टू कुछ कुछ। I1 का आंसर आता है 10 ओम में, आंसर ही इज I1 इज 0.1915 एम्पियर, एंड I2 का आंसर आता है 0.07979। All right, clear everyone? किसी ने सॉल्व किया था कि किसी ने सॉल्व ही नहीं किया? Tell me. चलो अगला प्रॉब्लम लिखो। Determine the current through galvanometer. Determine current through galvanometer as shown in the figure. As shown in the figure, draw the figure. Draw this figure. कॉपी किया सभी ने डायग्राम? डायग्राम कॉपी किया सभी बच्चों ने? बार्गेश कॉपी किया? हाँ सर। रोशनी कॉपी किया? रोशनी रोशनी कॉपी किया या नहीं? ओके, अब है ना प्रॉब्लम समझो आप लोग, क्या प्रॉब्लम है? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। ऐसे है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसमें ए बी बी सी सी डी डी ए और
में रेजिस्टेंस दिए और बी और डी के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम। यहाँ पे करंट आ रहा है 2 एम्पियर एक और ऑब्वियसली जाएगा भी 2 एम्पियर। बोलो मुझे कितना करंट गैल्वेनोमीटर से गया, कितना करंट गैल्वेनोमीटर से गया, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है विनाश। इज द क्वेश्चन क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर बच्चे लोग? हुसैन दागिना वाला प्रॉब्लम बता क्या है? हुसैन दागिना सर एक कोऑर्डिनेटर है उसके जो आवाज 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 हेलो जोर से बोल सर एक कोऑर्डिनेटर है उसके जो करंट दिए हुए सब सब एजेस पे और बीच में मीटर लगाया हुआ गैल्वेनोमीटर उसका करंट दिया हुआ है 10 ओम और करंट दिया 10 ओम करंट करंट नहीं सर सर तो बीच में से ये पास किया है। अरे 10 ओम यानी क्या होता है, करंट या वोल्टेज? सर वोल्टेज। अरे 10 ओम रेजिस्टेंस होता है, क्या करते हो? सॉरी हाँ तो सर बीच में से उसमें 2 एम्पियर का ही जा रहा है और अपने को फाइंड करने का है कि जहाँ पे वो है ना 10 ओम का वहाँ पे करंट, तो वहाँ पे कितना करंट जाता है? देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज 2 एम्पियर में से आई एम्पियर यहाँ गए, लेट अस से आई, तो बचा कितना? एनीबॉडी कैन टेल मी, 2 में से आई उधर गया तो बचा कितना? 2A-I दैट इज परफेक्ट आंसर, 2-I एम्पियर, 2A एम्पियर माइनस I एम्पियर, लेकिन आगे लिखता नहीं हूं मैं। अच्छा लेट से आई यहां तक आया, आई में से गया यहाँ पे आई जी, बचा कितना यहाँ पे? एनीबॉडी कैन टेल मी, यहाँ तक आई आया था, आई में से आई जी यहाँ गया तो ये कितना होगा? I माइनस आई जी, क्योंकि आई में से गया है। ओके और यहाँ पे दोनों का मिलन हो रहा है, ये यहाँ से 2 माइनस डग 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 आ रहा है, यहाँ से आई जी डग 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 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा मिलन होने के बाद इस पे? इसमें कितना जाएगा? 2-I + IG। That's lovely answer. बहुत अच्छा आंसर है, 5-6। और यहाँ पे इन दोनों का मिलन हो रहा है, इसका और इसका मिलन हो रहा है, देखो 2-I + IG और ये आके यहाँ से मिल रहा है +I - IG, तो ये देखो +IG - IG - I + I बचा कितना? 2, तो ये 2 गया वहां पे। आई होप इट्स क्लियर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है टू ड्रॉ द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पे आया 2 एम्पियर, 2 में से आई गया वहां, 2-I यहाँ, आई वहां तक पहुंचा, आई में से आई जी यहाँ गया तो I - IG वहां, ये दोनों यहाँ पे 2- और आई जी का मिलन हुआ तो 2-I + IG, फिर इन दोनों का मिलन हुआ तो यहाँ 2 एम्पियर। आई होप दैट्स क्लियर बच्चे लोग, क्लियर प्यारे बच्चों? करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर? यस सर। अबे ना हमको ढूंढना क्या, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हिच करंट आई वांट, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर यानी क्या, किसका आंसर ढूंढना है हमको सर? आईजी। एनीबॉडी फ्रॉम दिस रिस्पेक्ट टू डायग्राम नाउ, कौन सा करंट ढूंढना है? आई ढूंढना है, आई माइनस आई वन ढूंढना है, क्या ढूंढना है सर? आईजी। दैट्स राइट, यू टू फाइंड आईजी। ऑल राइट, तो भी अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, इसमें ईएमएफ नहीं है, बहुत अच्छा है, तो एक ही चीज देखा ली रेजिस्टेंस, अप्लाई केवीएल टू लूप ए बी डी ए, केवीएल टू लूप ए बी डी ए, तो पहले ए टू बी आई राइट माइनस, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -5I, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट -10IG, then D to A, I'm going opposite to current, so +2-I × 15 = 0. मैंने एक मिस्टेक छोड़ी है, व्हाट इज द मिस्टेक? एनीबॉडी कैन टेल मी इसके अंदर मिस्टेक क्या है? एक मिस्टेक छोड़ी है मैंने, व्हाट इज द मिस्टेक? मिस्टेक विधि भट्ट, ओ विधि भट्ट,
with so no these, mistake. Yeah, no mistake. Okay, Marge. So that's right. There is no mistake. So we'll write. Abhi 5 se divide karenge to kya aayega? Either minus I, minus 2ig, plus 2 minus I into 3. 5 3 ko 15. Now isko open karenge to minus I, minus 2ig, plus 6 minus 3i is equal to 0. So ye humko minus 3i, minus I, minus 4. Minus 2ig equal to minus I, minus plus 6. And therefore, again, divide by 2. What will I get? So, minus 2i minus ig plus 3 equal to 0. Or you can say 2i plus ig equal to 3. Equation number 1. There are mistakes. Don't lena. Main padabad kar raha hun. I am not checking. If there is any error, you can point out. 5 ekam 5, 5 duri 10, 5 3 ko 15. So minus I, minus 2ig, 3 duri 6, minus 3i. So minus 3i, minus I, minus 4i, minus 2ig, plus 6. So minus 2ig, minus ig, plus 3 equal to 0. I think this is right. Now apply KVL to other loop. Konsa loop bolo? Konsa loop lo? B, C, D, B. Apply KVL to loop B, C, D, B. That is minus 10 into I minus IG plus 20 into 2 minus I plus IG plus 10 IG equal to, no, this is minus 10 IG equal to 0. Minus 10 into I minus IG. Plus 20 into 2 minus I plus IG. Minus 10 IG equal to 0. Any mistake? Any mistake here? Any mistake here? Kya koi mistake hai, Bhargesh? Oh, Bhargesh. Murtaja, Ushna. Kya? क्या सुनाई नहीं दिया मुझको बेटा क्या बोला नहीं सर कुछ नहीं कुछ मिस्टेक नहीं है सर सर है सर मिस्टेक क्या मिस्टेक है सर प्लस 10 डी टू बी सर है ना प्लस 10 आईजी दैट इज राइट लवली वेरी गुड बच्चे तो 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा माइनस आई माइनस आईजी प्लस 2 इनटू 2 माइनस आई प्लस आईजी plus ig equal to 0. Now open the bracket minus I plus ig plus 4 minus 2i plus 2ig plus ig equal to 0. Ig wale kitne hai? 2ig, 3ig, 4ig. Okay. 4ig. Fir baad mein I kitne hai? Minus I, minus 2, minus 3i. Okay, ek hi 4 hai. So plus 4 equal to 0. Therefore 3i minus 4ig equal to 4. Equation number 2. बस अभी मैं आंसर दे देता हूँ या सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम लोगों को बच्चे लोगों का भाई हाथ का खेल है. I am sure solving 1 and 2. We get ig equal to one by 11 ampere. ये रहा आंसर आपके सामने. Am I going very fast? No, sir. Vaishnavi, are you following? Yes, sir. Good. Maj Sheikh, you are understood, Maj? Oh, Maj. Yes, okay. Sir. Okay. ऐसा रूलर मारने की जरूरत है एक बार टकाटक टकाटक
No, Samud, sir. You want me to hit ruler? Haya na. No, sir. Okay. So we can switch over to the next problem, and that is the last problem of Kirchhoff's law. Fir main 4-5 homework dunga. This is the last because this is textbook ka problem hai. इसलिए मैं कर रहा हूं डायग्राम बनाते जाओ मेरे साथ साथ अब ये हटा दूं क्या ये साइन कन्वेंशन कि रखूं अभी भी ब्लैक बोर्ड पे और व्हाइट बोर्ड पे क्या मालूम नहीं पड़ता तुम लोग कोई बोलना ही नहीं चाहते तो रहने हाँ तो रहने दो ओके रहने दो रहने देता हूँ अब मैं अगला डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मेरे साथ साथ कॉपी करो धपा धप यहाँ पे गिवन में डायग्राम बना रहा हूँ सो दैट स्टार्ट कॉपी जरा बड़ा डायग्राम बनाना घिच पिच नहीं होए पूरा एक पेज ले लो भले डायग्राम बनाने के लिए एकदम बढ़िया डायग्राम बनाने जाओ बड़ा 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 डायग्राम देखो मैं पहले आउटलाइन बना देता हूँ इतना बड़ा डायग्राम है सबसे पहले ये इतना बड़ा बना दो ऑलराइट और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे बना दो और इसके अंदर एक सेंटर में ऐसा है मेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायग्राम और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्या 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 है यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे है ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस All right. यहाँ पे बैटरी है 10 वोल्ट की और सब रेजिस्टेंस 10 ओम वाले हैं ये 10 ओम के सारे रेजिस्टेंस आ गए All right. अब हम नामकरण कर देते हैं नामकरण ए बी सी डी ई एफ जी एच नाम कर लो क्या और हमको पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी ये इतना दिया है हमको अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमको बोला है क्या मालूम ये डायग्राम दे दिया बोले देखो इधर 10 वोल्ट जितने रेजिस्टेंस है सारे 10-10 ओम वाले बोले बोलते हैं एफ और बी के बीच में व्हाट मस्ट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा फंडा क्या होगा मालूम है कैसे निकलेंगे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू हियर बाय बी आई ये वी है ये आई है आर का आंसर आएगा तो दैट विल बी आर इक्विवेलेंट अगर वी मिल गया और वी तो दिया हुआ है आई हम ढूंढेंगे ये आई को ढूंढेंगे एक्चुअली हमने आई नहीं पूछा है व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी बट आई की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि वी इक्वल टू आई आर ये 10 वोल्ट ये आई का आंसर निकालेंगे हम लोग आर का आंसर मिल जाएगा दैट विल बी आर इक्विवेलेंट दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू वर्क अब हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं एक बार लिखना बंद कर दो सब लोग अगर कॉपी नहीं भी कहे तो लिखना बंद कर दो प्लीज
देखो मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर यहाँ से मैंने आई स्टार्ट किया, टकाटक टकाटक आई यहाँ तक पहुंचेगा, बोलेगा करूँ तो मैं क्या करूँ, तो आई में से सपोज आई वन यहाँ गया, फिर कल में हाउ मच विल गो हियर 10 ओम, ये आई यहाँ तक आएगा, आई में से आई वन गया वहां तो बचा कितना यहाँ सर आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, लवली आंसर, आई माइनस आई वन, ये भी यहाँ पे सॉरी आई माइनस आई वन यहाँ पे भी जाएगा आई माइनस आई, वेरी गुड अफीफ अफीफ सैयद, आई माइनस आई वन बोल रहे यहाँ पे आई वन गया, यहाँ पे भागते भागते आई वन जाएगा, जी पे जाके सोचते है करूं तो मैं क्या करूं, तो यहाँ से सपोज ये गया आई टू, इसमें से आई वन में से आई टू गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, सम अदर स्टूडेंट देन अफीफ, I1 में से I2 वहां गया तो बचा कितना, अदर देन I1 माइनस I2, लवली आंसर कोनन, लवली आंसर कोनन, I love your answer, ओके ये I2 गया, I2 यहां तक पहुंचेगा, यहां पे ये दोनों का मिलन होगा, अब यहां पे इसका और इसका मिलन होगा फिर इधर जाएगा, तो एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल राइट, नो उष्णा एंड नो नो उष्णा एंड नो अफीफ, यहां से गया जी से गया बिल्कुल बिल्कुल आई वाई माइनस आई, यहां पे आई माइनस आई दोनों का मिलन, वहां पे कितना जाएगा टेन ओम से कितना जाएगा, दोनों का मिलन होके कितना जाएगा I2 plus I, हाँ या गुड गुड वेरी नाइस, आगे बोल I2 plus I, I2 plus I, और कोई दूसरा आंसर सर I minus I2, I1 अरे विधि का नाम भी नहीं लेना चाहिए था मेरे को, विधि उष्णा एंड अफीफ, चलो I minus I2, देखो कैसे आया बताता हूँ, यहाँ से G से कितना पहुंचता है I1 minus I2, फिर यहाँ से कितना पहुंचता है plus I minus I1, तो I1 और minus I1 gets cancelled, minus I2 plus I is as good as I minus I2, यहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है, अब विधि भी नहीं बोलेगी, उष्णा भी नहीं, अफीफ भी नहीं, जी टू भी नहीं, अब कौन बताएगा यहाँ, हाँ जी कितना आएगा, हाँ सर I सिर्फ I, आई कौन बोला ये आंसर आई सर भार्गेश, भार्गेश यू आर एब्सोल्युटली राइट, भार्गेश यू आर ए वंडरफुल स्टूडेंट, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे, 10 वोल्ट का डायरेक्शन में बताना भूल गया था, ये 10 वोल्ट है, ऑल राइट, ये हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुई गवा, अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो लिखो अप्लाई केवीएल लूप, अगर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा मैं होमवर्क का के फोटो भेजने वाला हूँ, एवरीबडी हैज टू कंपलसरी डू द होमवर्क, होमवर्क के चार सम्स भेजूंगा, तो लूप लेट्स सी इस लूप का नाम देता हूँ एफ जी, एफ जी एच एफ, एफ जी एच और वापस एफ, ओके एफ टू जी, और फिर एक और लूप ले लेता हूं अप्लाई टू जी ए बी एच जी, देन अप्लाई के वी एल टू लूप एफ एच बी F H B C D E F, right, हम लोग करते हैं पहले F G H F, F to G minus 10 I1 minus 10 I1 minus I2
plus 10 I minus I1 plus 10 equal to 0. जरा देखो तो बराबर minus 10 I1 same direction minus 10 I1 is the same plus 10 into I minus I1 plus 10 into I minus I1. So पहले 10 10 10 के cancel कर दे, 10 10 10 10 divide by 10 from both sides. We get minus I1 minus I1 plus I2 equal to 0. अभी सारे आई कितने हैं वो देखें हम लोग, आई कितने हैं, एक आई और ये आई, दो आई. आई वन कितने हैं, एक दो तीन चार, माइनस फोर आई वन. आई टू कितने हैं, ओ एक का आई टू है, ओके प्लस आई टू इक्वल जीरो, इक्वल जीरो. ऑलराइट, so that is 4i1 equal to 2i plus i2. Equation number 1. Please ask me if there is anything which you feel don't understand. G A B H G. So G to A minus 10 i2 minus 10 i2 plus 10 I minus I2 plus 10 I minus I2 equal to 0. ये wrong है, I1 minus I2. I minus I2 इधर, लेकिन इधर I1 minus I2. Thus, thus cancel. Thus, 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 and thus. So therefore, minus I2 minus I2 equal to 0. So you will get some equation. Equation will be what, you know, 4i2. देखो चार बार i2 है, एक दो तीन चार, yes. Minus 4i2. Alright. फिर i1 कितना है? i1 एक ही है. Okay, plus i1 i भी एक ही है, equal to 0. Therefore, i plus i1 is 4i2. Equation number 2. Equation number 2. Now come to FG. Ye wala loop. F to G. Minus 10. I minus I1. Minus 10. I minus I1. Minus 10. I minus I2. Plus 10 equal to 0. Thus, tab jagah se ubhal do. We will get minus I plus I1 minus I plus I1 minus I plus I2 plus 1 equal to 0. So, when you will get this simplified, you will get I kitne hai, kitni bar I hai? 3 bar I. So, minus 3i. I1 plus I1, 2I1. I2 कितना है? एक का I2 है, तो plus I2. Plus 1 equal to 0. And you will get 3I. You will get... कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? जरा देखो तो. Sir. Yeah. सर दैट इज सर हम लोग कट कभी कर सकते हैं, जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तभी तो. आपने एक नेगेटिव 10 को कट किया और एक पॉजिटिव 10 को कट किया. किधर है कौन सा पॉजिटिव 10, कहां पे? नहीं, आई एम डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स सो यू विल गेट द आंसर.
नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखा जाता, उसको डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स है. मैं आपको बताऊं वैष्णवी सुनो, यस सर. 10x1 माइनस 10x2 इक्वल टू लेट अस से 20. यू कैन डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स एंड गेट द x1 माइनस x2 इक्वल टू 2. ऐसे लिख सकते हो, मैंने 10 10 कैंसिल लिख दिया, डिवाइड बाय 10. दिस कैन बी रिटन एज दिस अनलेस यू डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. तो ये है इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 मैं सॉल्व करूं इक्वेशन की, आप लोग कर लेंगे इसको. मैथमेटिक्स है इसमें, आपको दिमाग लगाना होगा 3 इक्वेशन सॉल्व करने का. मेरे पास सॉल्यूशन है लेकिन आप लोग करना, मैथमेटिक्स है ये, तो कर लोगे आप लोग सॉल्यूशन. मैं रूलर मार दूंगा इसके इक्वेशन कैसे है वो. तो यू कैन से वन थिंग, सॉल्विंग 1, 2, and 3 जगह छोड़ो ना सॉल्विंग के लिए, कम से कम एक पेज जाएगा, पूरा एक पेज छोड़ो. I equal to आता है 5/7 एम्पियर. नाउ वी नो वी इक्वल टू आई आर. Therefore, V equivalent is the thing, but I into R equivalent. What is V? V को equivalent V रखते हैं. V कितना है इसमें? कितना V दिया है? V कितना है? 10. 10. Current कितना आया? 5/7. Therefore, R equivalent will be 70/5. That is equal to 14 ohms. मैं आपको एक बार रूलर मार देता हूं इस बार, क्योंकि शायद इक्वेशन आपको समझ में नहीं आया होगा. कॉपी कर लिया हो तो मैं रूलर मारना चालू करूं. पूरा विजिबल है ना माशेक? ओ माशेक, यस सर, दिख रहा है ना पूरा? हाँ. ओके, फ्रॉम अजय गुप्ता टू एवरीवन, सर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? सर आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या हुआ इसको? मैं बोल रहा हूं कि नहीं? अफीफ, एम आई ऑडिबल? सर आप बोल रहे हो? yes, sir. सर वो वॉइस ब्रेक ये सब हो रहे, वो सब लिखा सर उसके चैट में. अच्छा, 2 मिनट से शांति है क्लास? 2 मिनट से शांति है क्लास में? सबका आवाज ना, उसका आवाज ना लगता. हाँ, उसको शायद आवाज नहीं आ रही है. हाँ, कॉपी कर लिया हो तो मैं रूलर मारना चालू करूं. ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने की जिम्मेदारी है तुम्हारी. कैसे सॉल्व करना है वो देखना है आपको. आई वांट टू सी हाउ डू यू सॉल्व इट. ये टेक्सटबुक में सॉल्व है प्रॉब्लम, इसलिए मैंने किया है. मतलब अनसॉल्व्ड है कि सॉल्व्ड है याद नहीं, टेक्सटबुक का प्रॉब्लम है. ये पूरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन वापस बताऊं कि समझ में आ गया है सबको? ओम अस्का, अस्का तुम कुछ बोलते नहीं हो. 352 नाम नहीं लिखा तुमने. अंडरस्टूड. ओके, आवाज बहुत धीमे है तुम्हारी. देखो अप्लाई के लिए, हाँ, इस लेक्चर के बाद मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ.
those PCB student will also attend the lecture because this will be required in chemistry as well as physics. ये part आएगा काम में, इसके लिए बोल रहा हूँ, all right? और इसके अच्छी तरह notes बनाना आप लोग, तो मैं बताऊंगा. तो ये देखो, apply KVL to loop F G H. वापस इधर मैंने नाम लिखे क्योंकि A B C D F G H I आता है ना, तो I ये बड़ा confusion होता है, तो मैंने I को उड़ाई दिया, इसको नाम ही नहीं लिया, क्यों हूँ सीधा इधर. तो माइनस टेन आई वन बिकॉज सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस टेन फिर प्लस टेन इंटू आई माइनस आई वन प्लस टेन इंटू आई इक्वल टू जीरो. फिर केवीएल को देखो यहाँ पे माइनस टेन आई टू माइनस टेन आई टू जो प्लस क्यों, वाई प्लस टेन इंटू आई माइनस आई टू, एनीबडी ये प्लस क्यों लिखा? एक्सेप्ट दोस फोर स्टूडेंट, ये प्लस क्यों लिखा? चलो जाने, ओके प्लस 10, तो 10 गेट्स कैंसिल, वी मेक दिस एंड टू दिस इक्वेशन वी ये पूरा यहां से यहां लेते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस, सेम डायरेक्शन में माइनस, सेम डायरेक्शन में माइनस, सेम डायरेक्शन में प्लस बिकॉज़ ईएमएफ है, और यहां पे आ गए इक्वल 0. सॉल्व दिस थ्री इक्वेशन, यू विल गेट आई का आंसर, बट आई ने से हमको v इक्वल टू आई इनटू आर, तो आर v मिला आई मिला तो हमको आर मिल जाएगा. 14 ओम्स इज द आंसर. Is that clear? इसके बाद में है ना, मैं होमवर्क प्रॉब्लम तो ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको फोटो खींच के भेज दूंगा आज ही, और मैं स्टार्ट करता हूँ अगला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. नाम लिखो, तुम जरा क्वेश्चन पूछो, आई एम टेलिंग यू प्लीज आस्क क्वेश्चन द मोमेंट यू डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा सब क्लियर है आपको. अस्का हुसैन दागिना, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? वैष्णवी, ओ वैष्णवी, यस सर, अंडरस्टूड ना? यस सर. लिस्ट हैज नो कनेक्शन विद द पार्ट यू हैव लेफ्ट, जब नहीं आई थी तो एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है? यस सर. हाँ, अभी लिखो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, टाइटल लिखो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, मैं स्पेलिंग देता हूँ.